रॉयल किड्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में तुलबा को असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम और उर्दू से वाकिफ किया जाता है। करस्पॉन्डेंट स्कूल अब्दुल कदीर रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के मुताबिक स्कूल में माहिर व तरबियत याफ्ता असातिज़ा की खदमात हासिल की जाती है और कुशादा क्लास रूम्स और प्ले ग्राउंड की सहूलत भी हासिल है। SSC में 100% नतायज खल्ब शहर न्यू टाउन में होने की वजह से तुलबा की आमद व रफ्त के लिए भी ये स्कूल काफ़ी सहूलत बख्श है। प्रिंसिपल नाजिमा सुल्ताना ने कहा कि बच्चों को असरी व मियारी तालीम के लिए और रोशन तालीमी मुस्तकबिल के लिए रॉयल किड्स हाई स्कूल में आज ही दाखिला करवाएं। न्यूज 20 में आप सभी का इस्तकबाल है। सोशल वर्कर शेख सईद बावजी ने आज जलपली म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 2 का दौरा किया। इन्होंने बताया कि मरियम कॉलोनी, संदेश नगर, अरफात कॉलोनी, यहां पर आवाम को बहुत सारे तकलीफ है, जैसे CC रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट पर यहाँ पर कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। इतने मुश्किलात में आवाम कई बार यहाँ के MLA कॉरपोरेटर से अपील करे हैं, पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ के MLA एजुकेशनल मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम और रंजीत रेड्डी MP TRS के हैं, पर ये आवाम को कोई सहूलत फराहम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जलपली म्यूनसिपल के लीडर जो हर दम मैडम की बात करते हैं, वो आकर देखे कि यहाँ कितना डेवलप हुआ। इंशाल्लाह जल्द ही इलेक्शंस आने वाले हैं, पब्लिक का काम जल्द नहीं कराया गया तो आने वाले इलेक्शन में अवाम इसका सबक ज़रूर सिखाएगी। आइए देखते हैं ये वीडियो हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए न्यूज़ 20 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हाँ देखिए, यहाँ पे नालियों का ये हाल है और आज से नहीं है, कई साल से यही हाल है। इससे पहले सबिता इंदिरा रेड्डी और उनके बेटे भी आए थे, आके यहाँ का हाल सब देख के गए। लेकिन साल पहले आए, 2 साल पहले आए थे। आए देख के गए, हाँ हम करा देंगे बोले, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो आप, ये पूरा हाल ऐसे ही है यहाँ पे, ना रोड है, अरफात कॉलोनी है। हाँ अरफात कॉलोनी, अरफात कॉलोनी है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप इधर भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, इधर आइए, आप आके देखिए यहाँ पे क्या हाल है। चलने का रास्ता नहीं है, अभी तो सूखा है, बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश में क्या हाल होगा। हर साल यही होता है कि अभी नहीं आते साल में, आते इलेक्शन में बनेगा, लेकिन कई इलेक्शन आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वोट बराबर ले रहे हैं, बराबर बराबर दे रहे हैं वोट। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी का एरिया या पब्लिक है, अरफात कॉलोनी है, शाहीन नगर जलपल्ली म्यूनसिपल में आता। एजुकेशन मिनिस्टर MLA है, रंजीत रेड्डी MP है। यहाँ की आवाम की तकलीफ यही है कि यहाँ भोरी का प्रॉब्लम है, पीने के पानी की लाइन डाले 2 साल होगा, अब तक चालू नहीं करे, लाइट का प्रॉब्लम है ना। यहाँ मुकामी चेयरमैन आके पूछता इन लोगों को, ना मुकामी कारपोरेटर आके पूछता, खाली इन लोगों का फोटुओं में, खाली फूला पहनने में, रात में दावत हुई तो दावतों में, रात में बैठकों में, इसमें दिखते, जब खटका मार के वोट मांगते रहे, जब नहीं दिखते, जब इन लोग याद नहीं आए, जब आते याद, अब इनकी परेशानी में तुम लोग नहीं आते, कोई आगे पूछे आज तक आपको तकलीफ क्या है? कोई नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे। ये आपकी खुद से बोल रही या नहीं, मैं बोलने से बोल रहा हूँ? आप कहीं को बोलते हैं, हम रात दिन यहाँ रहने वाले हैं तो हमारे को तकलीफ है, तो आप ही बोल रहे हैं? मैं ही बोल रहा हूँ, मैं सिखा के बोल रहा हूँ, बोलते आप कहीं को सिखाते हैं? मैं उमर सिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ बच्चे मेरे पैदा भी हो गए, जवान भी हो गए, देखो बच्चे ठहरे हुए है ना, और मालूम है लोगों को सब कुछ, जा रहे लोगों को, यहाँ कितने साल से हम हैं। तो ये 5 साल में आप जीता है, जब से आज तक कोई नहीं पूछे आपको, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये बोल रहा हूँ मैं, बड़ंगपेट मीरपेट जाके देखो, मैडम चमका दिए। मैडम फिर एक बार बोल रहा हूँ, पब्लिक आखिरी में क्या कर रही है आप देख रहे होंगे, 2-4 दिन से कैसे वीडियो आ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में चले जा रहे हैं, लेडीसा घरों तक कांग्रेस में चले जा रहे हैं, आप देखो नरसिम्हा रेड्डी कहने चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर तुम हार जाए, पब्लिक का काम करो, पब्लिक वोट डालती दूसरी बार। तुम एजुकेशन मिनिस्टर, 1/10 का स्कूल है यहाँ, स्कूल है 1/10 का, बच्चों को स्कूल है, बारकस का स्कूल है, यहाँ का है बारकस, अकबरवेसी का स्कूल है, वो किसका है नहीं मालूम, बारकस को जाते हैं, बारकस में, बारकस का स्कूल। आप 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर है, 1 स्कूल 10th का नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ने के वास्ते नहीं है, बस्ती दवाखाना है यहाँ, यहाँ बस्ती दवाखाना तक नहीं है। तुम खाली मीरपेट बड़ंगपेट में करते क्या? यहाँ आओ, ये देखो, ये सब बताओ, ये हाल बताओ, देखो खाला बता, कांग्रेस में चले जा रहे हैं, लेडीसा घरों तक कांग्रेस में चले जा रहे हैं, आप देखो नरसिम्हा रेड्डी कहने चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर तुम हार जाए, पब्लिक का काम करो, पब्लिक वोट डालती दूसरी बार। तुम एजुकेशन मिनिस्टर, 1/10 का स्कूल है यहाँ,
स्कूल है, टेंथ का बच्चों को स्कूल है, बारकस का स्कूल है, यहाँ का है बारकस अकबर ओवैसी का स्कूल है, वो किसका है नहीं मालूम, बारकस को जाते हैं, बारकस में बारकस का। आप 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर है, एक स्कूल टेंथ का नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ने के वास्ते नहीं है, बस्ती दवाखाना है यहाँ, यहाँ बस्ती दवाखाना तक नहीं है। तुम खाली मीरपेट बड़ंगपेट में करते क्या, यहाँ आओ, ये देखो ये सब बताओ, ये हाल बताओ, देखो खाला बता रहे हैं आप, देखो देखो आप बताइए, हाँ बताते, अभी बारिश शुरू होने वाली है, क्या हाल होगा मोहल्ले का, ये तो कोई तो अल्लाह का बंदा आके पूछना चाहिए किस हाल में है। देखो आज ये पब्लिक है, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ जलपल्ली म्युनिसिपल के जो भी जिम्मेदार है उन लोगों को और एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदर रेड्डी को बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक माइनॉरिटी परेशान है, आप जीते इनकी बदौलत से आप करा रहे हैं काम, मीरपेट बड़ंगपेट कराओ, मगर यहाँ पे भी आके देखो 2 सालों का शर्म की बात है, तुम MLA है क्या है, 2 साल से एरिया में नहीं आए तुम इनके, बताइए आप खाली खाली टेंशन हो गए, करोड़ों रुपये वो हो गए ये हो गए, आज तक जेलपल्ली म्युनिसिपल बने तक कुछ नहीं हुआ, खाली इतना करोड़ करा दिए, क्या कराए, पब्लिक पब्लिक इतनी गरीब एरिया के अंदर ये माहौल है, सिर्फ आप अमीर एरिया के और लीडर अपने अपने घरों का रोड दला ले रहे हैं, काउंसिलर अपने अपने घरों का रोड दला ले रहे हैं, इंचार्ज अपने अपने घरों का बाउंड्रियों का जमीनों का रोड दला ले रहे हैं, तो गरीबा कहाँ जाना बताओ। तो फिर एक बार 6 महीने में इलेक्शन है, याद रखो BRS TRS कुछ काम नहीं कर रही, ये आवाम वोट डाली तो तुम जीतते, अगर काम नहीं करेंगे तो भूल जाओ यहाँ से, चाहे कौन सी भी पार्टी वाला रहें तो हम उसको जिता के काम करेंगे, फिर शुक्रिया खुदा हाफिज। बात है हम अगर शिक्षा के सामने अगर आप काम नहीं करेंगे तो किसी को भी दूसरे को जिता के हम काम करेंगे, काम करेंगे बिल्कुल काम करेंगे, जरूर दूसरों को जिताएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे। आइए मौलाना बोलो आपकी क्या तकलीफ है, आप बोलो भाई, वोट लेने टाइम में तो बराबर आते हैं, आवाज से वोट लेने टाइम में बराबर आते हैं, इतना डैमेज है, कीड़े मकोड़े और किसका एरिया है, सविता रेड्डी का एजुकेशन है, सविता रेड्डी इधर के जो है ये पूरे MLA है और यहाँ के रोड पूरे हालात खराब है, पूरे बारिश हुए तो कीचड़ हो जाते हैं पूरे एकदम कचरे हर तरफ, और क्या कहते हैं ड्रेनेज नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रेनेज का पानी रोड पे आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, आप लोग रहते हुए ऐसा हो रहा तो कैसे होता, तो देखिए कोशिश कीजिए ड्रेनेज। यहाँ के क्या है आप, अब हम मदरसा चला रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके, 60 बच्चे हमारे पास है, तो परेशानी है बच्चे, बहुत परेशानी है, रोड पे पानी आया हुआ है, बहुत परेशानी है, बच्चे रह नहीं सकते इतना, यतीम यसीर बच्चे है, पूरे यतीम यसीर बच्चे है, यतीम यसीर बच्चे पढ़ते हैं, बीमारी हुई तो परेशानी है, हाँ वही कर रहे थे, हो जाता तो मैनेज के बेहतर रहता है। एजुकेशन एरिया का नाम क्या है, ये मरियम कॉलोनी, मरियम कॉलोनी अखबार, मरियम कॉलोनी के अंदर आती है अखबार, तो ये पूरी पब्लिक है, देखो पूरे में फिर पीछे बराबर कराना, देखो ये उधर लेते करते, उधर आगे लेते करते।